चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर एक कराया क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। लेंगे हल और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का वृत्त, तो इसका हम एक डेमो बनाते हैं कुछ इस प्रकार। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का वृत्त है और 10 सेंटीमीटर दूर ये एक रेखा खींचे हैं और इस पर से कह रहा है स्पर्श रेखा इस पर खींचने के लिए। तो इसका प्रक्रिया है, इस दोनों को आप लंब से विभाजित कीजिए, जहाँ पे बिंदु मिलेगा वहाँ से एक ठो वृत्त खींच दीजिए ऐसे, और ये जो पॉइंट मिलेगा यही हमारा हो गया स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु, और इसको मिला देंगे तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। चलिए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो पहले हम 6 सेंटीमीटर का नाप लेंगे एक ठो, ये 6 सेंटीमीटर का हम लोग चाप ले लिए। चलिए ये 6 सेंटीमीटर का हमारा वृत्त कंप्लीट हो चुका है। ये रहा हमारा केंद्र और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दस, यहाँ पे पूरा यहाँ लेंगे 10 सेंटीमीटर दूरी और दोनों को मिला देंगे। इसको हम ओ मानेंगे, इसको पी लेंगे और ये पी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने के लिए आधा सीधा चाप होना चाहिए, तो हमारा ये चाप ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर का है, तो दोनों ओर कटा हुआ है, हम पी बिंदु पर से एक साइड काट देंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये हमारा मध्य पॉइंट हो गया। इस प्रकार हमको यहाँ पे M बिंदु प्राप्त होता है जी, और M को हम त्रिज्या मानकर वृत्त खींचेंगे। इस प्रकार हमको M बिंदु प्राप्त हुआ और हम M को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींच की रचना करेंगे कुछ इस प्रकार। तो फुल साइड में घुमा देंगे, ये वृत्त की रचना होगी और ये वृत्त, ये 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त था उसको जहाँ पे स्पर्श किया वही क्या हो गया स्पर्श बिंदु, ये हमारा स्पर्श बिंदु होगी और P से मिलाएंगे तो ये हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा। इसका नाम देंगे A, इसका नाम देंगे B। इस तरह से हमारा ये फिगर तैयार हो गया। अब इसको मापना है A, P, A और P, B को। तो ये 8 सेंटीमीटर का पूरा है, उसको भी मापेंगे, ये भी 8 सेंटीमीटर। वैसे भी बाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो हम उत्तर लिखेंगे। स्पर्श रेखा है पी ए बराबर पी वी बराबर 8 सेंटीमीटर। इसका हम नाम दे देंगे यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर और ये पूरे कितना है 10 सेंटीमीटर, तो पूरे का नाम देंगे हम 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न वाली 11.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का। कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकरण से इस माप की जांच भी कीजिए। तो कहने का अर्थ ये है, जो एक हमको 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त खींचना है, इसके सकेंद्रीय मतलब केंद्र यही रहेगा, और एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है और 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त पर से स्पर्श रेखा की रचना इस प्रकार करनी है, ठीक है। तो ये जो हम करेंगे, सो यहाँ से पहले हम केंद्र को मिलाएंगे और इसको हम समद्विभाजित करेंगे, उसके बाद हम इस रूप में करेंगे। चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो पहले 4 सेंटीमीटर का एक हम ले लेते हैं, ये रहा 4 सेंटीमीटर का चाप, चार सेंटीमीटर का हम एक तो चाप लिए और वृत्त खींच दिए। अब हमको क्या करना है, सकेंद्रीय वृत्त मतलब इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है।
ये 6 सेंटीमीटर का वृत्त, और इस पर से हमको यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचना इस बिंदु से, कहीं किसी भी बिंदु से। तो चलिए हम पहले एक त्रिज्या मिला लेते हैं, फिर इसको हम लोग समद्विभाजित करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का हुआ, और ये पूरे हो गया आपका, पूरे हो गया 6 सेंटीमीटर। ये बाद में लिखना था, चलिए पहले ही लिख दें। इसको हम समद्विभाजित करेंगे हम लोग पहले। तो एक चाप मान लीजिए चार पे कटा ही हुआ है आधा से अधिक, इसे चार पे ही ले लेंगे, थोड़ा बेहतर होगा, बार बार कटिस का निशान नहीं आएगा। और ये यहाँ पर से हम इसको काट देंगे, इसका नाम हम ओ देंगे, इसका नाम पी देंगे। ये वृत्त को स्पर्श किया, पहले मध्यबिंदु निकाल लेंगे। इसको डॉट डॉट लाइन से हम खींचेंगे, इस प्रकार हमारा मध्यबिंदु ओ पी का निकल गया। इसको हम एम लिखेंगे, और एम को ही केंद्र मानकर एक वृत्त खींचना है हमको। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये इस प्रकार से आएगा। ये यहाँ पे हमको स्पर्श किया, ये बिंदु यहाँ पे स्पर्श किया, ये पी से दोनों बिंदु को मिला देंगे, ये हमारा स्पर्श रेखा होंगे। ये वाली लाइन नहीं लेना, ये गलती से चाप निकल गया था। तो इसका नाम देंगे हम ए, और इस बिंदु का नाम बी। इस तरह से पी ए और पी, हमको पी भी प्राप्त होता है। इसका मापेंगे, 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है, इसको भी माप लेंगे, ये भी 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है। लिखेंगे स्पर्श रेखा है पी ए बराबर पी बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारे इस तरह से कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 11.2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का। कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ खींचिए। मतलब कहने का अर्थ यह है, जो आपको एक वृत्त बनाना है 3 सेंटीमीटर का, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर, एक केंद्र इधर 7 सेंटीमीटर दूर, एक इधर 7 सेंटीमीटर दूर, दो रेखा लेना है पी और क्यू, और इस पर से जो है इस पर स्पर्श रेखा खींचना है कुछ इस प्रकार। जी तुम क्या करेंगे, पहले ये रेखा लेंगे, उसके बाद इस दोनों को लमसम विभाजित करेंगे, और उसके बाद हम इसको यानी कि सर्कल खींचेंगे, और ये जहाँ प्रतिच्छेद करता है वही हमको स्पर्श रेखा प्राप्त होता है। चलिए इसको फिर माध्यम से समझते हैं। तो पहले हम 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे, या हम एक जो रेखा जो लेंगे एक ही बार हम 7 और 7 14 ले सकते हैं। एक ही साथ हम 14 सेंटीमीटर रख लिए, 7 हमारा ये बीच वाला जो होगा इसका केंद्र होगा, यहाँ से हमको 3 सेंटीमीटर का पारना है। तो यहाँ से आप 3 सेंटीमीटर का नाप ले लेते हैं। अब हम ये हमारा 3 सेंटीमीटर का चाप हुआ, और ये हम इस बिंदु से खींच दे रहे हैं, इसको ये केंद्र हो गया हमारा, इसको ओ कहेंगे, और ये केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर कुछ इस प्रकार लिख देंगे सेंटीमीटर, फिर इधर से 7 सेंटीमीटर, ये पी और ये क्यू हो गया, और ये दोनों बिंदु पर इस को स्पर्श रेखा खींचना है। तो दोनों बिंदु पर खींचना, दोनों को हम लमसम विभाजित कर देंगे इस प्रकार से। चलिए करते हैं, आधा से ज़्यादा होगा। ये लमसम विभाजित का दोनों सेम है, 7-7 केंद्र से 7-7 पे है, मतलब हम दोनों साइड एक ही चाप से खींच सकते हैं।
चलिए हम पहले ओ पी का मध्य बिंदु निकालते हैं। ये हमारा मध्य बिंदु हो गया। फिर हम पी ओ का मध्य बिंदु निकालते हैं। ये रहा। अब हम इसको केंद्र बनाएंगे, इसको लिखेंगे एम, इसको हम देंगे एन। एम को केंद्र मानकर हमको वृत्त खींचना है। थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है जी, कुछ इस प्रकार। अब हम थोड़ा बाहर निकल गया चाप, चलिए कोई बात नहीं, उस बिंदु से एडजस्ट कर देते हैं। ये काटा, ये मतलब यहाँ पे जो काटा यही हमारा स्पर्श रेखा हो गया। फिर हम इसी प्रकार यहाँ पर से इसको मानेंगे चाप, एडजस्ट करेंगे। ये एक राइट एडजस्ट हो गया, इस प्रकार से हमारा चाप काटा, इसका ये बिंदु प्राप्त हुआ। इसी को हम दोनों से मिलाएंगे, पी से इस दोनों को, ये हो गया। इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी। ये क्यू बिंदु से स्पर्श रेखा हो गया एक, और ये दूसरा हम लोग यहाँ से खींचेंगे, इसका नाम देंगे ए बी सी और ये डी। लिखेंगे इस प्रकार स्पर्श रेखाएं पी ए बराबर पी बी तथा पी सी बराबर पी डी प्राप्त हुआ। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 11.2 का, क्वेश्चन नंबर 4 का। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा रेखाएँ खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। मतलब हमको कह रहा है, डेमो फिगर देखेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है, इस पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचनी है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ठीक है, इस तरह से हमको फिगर बनाना है। तो चलिए हम फिगर कैसे बनाएंगे उस समझते हैं। तो पहले हम 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचेंगे, एडजस्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है जी। 5 सेंटीमीटर का ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। यहाँ से हम छाप लेंगे और ये 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच देंगे कुछ इस प्रकार। ये हमारा केंद्र हो गया। अब कह रहा है जो 5 सेंटीमीटर वृत्त से कैसे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुके, मतलब यहाँ पे हमको स्पर्श रेखा की रचना करनी है जो 60 डिग्री पर झुके हो। तो हम एक चीज़ जानते हैं, जो त्रिज्या क्या होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो एक हम अपने मन से त्रिज्या खींचेंगे, मान लीजिए 90 डिग्री, एक यहाँ पे हम अगर ये 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे से हम एक त्रिज्या मिलाएंगे और यहाँ पे अगर हम 120 डिग्री एंगल बना देते हैं, ठीक है, तो ये 90 और ये 90 कितना, 180 और 180 20 300 और ये ऑटोमेटिक 60 पड़ जाएगा। तो चलिए हम एक ठो ये त्रिज्या खींचते हैं और यहाँ पे केंद्र पर हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हमारा 90 डिग्री तैयार हुआ, सॉरी 90 डिग्री नहीं करना था, 120 डिग्री करना था हमको, 120 डिग्री तैयार हुआ। और इसको हम मिलाएंगे यहाँ से वृत्त के परिधि में। अब अगर हम यहाँ पे 90 बनाते हैं और यहाँ पे 90 बनाते हैं, दो स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। चलिए थोड़ा चाप छोटा करते हैं,
कुछ इस प्रकार से हम चाप लेंगे काटेंगे। ये 60 120 हुआ और ये हम 90 डिग्री का एंगल प्राप्त करेंगे। ये हम 5 सेंटीमीटर का पार है 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये 120 डिग्री एंगल 120 डिग्री लिख देंगे, ये भी 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसको ओ नाम दे देंगे। अब हमको यह स्पर्श रेखा की थोड़ी लंबाई ज़्यादा ले लेना है ताकि हमको बाद में मिलते वक्त घटे ना। यहाँ पे भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये 120 डिग्री था। इस प्रकार हम यहाँ पे भी 90 डिग्री का स्पर्श रेखा 90 डिग्री कोण बनाकर स्पर्श रेखा खींचना करेंगे। तो ये उल्टा हो रहा है, थोड़ा हम इसको सीधा करते हैं ताकि आसानी हो हमको बनाने में। ये रहा चाप हमारा, ये 60 पर से खींचेंगे आगे की ओर, एक ठो इस पे 120 और ये 120 पर से इसको हम काटेंगे जो हमारा 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। इस पर हमारा 90 डिग्री कोण प्राप्त होता है, चलिए इसको मिलाएंगे। जी आप लिख देंगे 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमको इसको लिखेंगे पी बिंदु, इसको लिखेंगे ए और इसको लिखेंगे बी। ये हमको 60 डिग्री का प्राप्त हुआ। अभी जानते हैं जो मान लीजिए 90 डिग्री 180 होगा, 180 और 20 300 होगा, तो ये ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। लिखेंगे इस प्रकार कोण ए पी बी बराबर 60 डिग्री प्राप्त हुआ। वैसे इसका चरण आता है, थोड़ा लंबा होता है, अगर आप लोगों को चाहिए तो हम उसको लिख के भेज सकते हैं या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए हम लोग प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कराए 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर का एक अन्य वृत्त खींचिए। ठीक है, प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम देखते हैं, पहले काल्पनिक फिगर बनाते हैं। तो एक मान लीजिए एक 8 सेंटीमीटर का ये लंबा रेखा लेना है हमको, फिर ये ए से हमको 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, इसके ए और बी, तो यहाँ से हमको 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है। फिर बी पर केंद्र मान के 3, यहाँ से हमको 3 सेंटीमीटर का केंद्र बनाना है। अब कह रहा है इस पर से इस पे स्पर्श रेखा और इस पर से इस पे और इस पर से इस दोनों पे स्पर्श रेखा खींचने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को लंब समय विभाजित करेंगे और फिर इसको ऐसे करके वृत्त खींचेंगे। इस प्रकार हमारा ये प्राप्त होगा। ठीक, चलिए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये 8 सेंटीमीटर का एक हम रेखा खींचे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। अब हमको ए पे बोल रहा है 4 सेंटीमीटर खींचने के लिए, ए पर 4 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। हो गया। अब करा है बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर चाप खींचने के लिए, ये रहा 3 सेंटीमीटर का वृत्त। अब हम करा है इस पर से इस पर स्पर्श रेखा और इस पर से इस पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को लंब समय विभाजित करेंगे। तो हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, आधा से ज़्यादा हो जाएगा। पहले हम इसको समय विभाजित करेंगे, थोड़ा छोटा पड़िया इसको बढ़ाएंगे, फिर हो
ये हमको यहाँ पे बिंदु प्राप्त होता है। वैसे भी ये 4 सेंटीमीटर का है, ये थोड़ा 8 सेंटीमीटर आधा यही पड़ता था, फिर भी हमको लंब विभाजित करके दिखाना है। अब इसको केंद्र मान लेंगे, इसको हम पहले एम बिंदु लिखेंगे और एम को केंद्र मान के हम वृत्त खींचेंगे। और ये वृत्त, दोनों वृत्त को जहाँ जहाँ काटा है, स्पर्श किया है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, इसे हमको मिला देना है। इसका नाम दे देंगे ए, बी है तो इसका हम पी क्यू आर एस, तो इस तरह से लिखेंगे स्पर्श रेखाएं या प्राप्त स्पर्श रेखाएं, प्राप्त स्पर्श रेखाएं ए पी बराबर ए क्यू तथा बी आर बराबर बी एस, यही हमको प्राप्त हुआ। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो बी से ए सी पर बी डी लंब है, बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचिए, खींचा गया है, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज रचना करेंगे ए बी सी का, तो इसका आधार है 8 सेंटीमीटर। आधार है बी सी है 8 सेंटीमीटर, इसका नाम देंगे हम बी और इसका नाम देंगे सी। अब समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है और ए बी को 5-6 सेंटीमीटर पे काटना है। ये फर्स्ट चाप, इसको हम 90 बनाएंगे। ये बिंदु हमको 90 डिग्री मिल गया, इसको 90 डिग्री बनाएंगे और 6 सेंटीमीटर हम खींचना है। छः सेंटीमीटर का है, हम खींच थोड़ा मिलाने में टाइम लगा, यही हो गया हमारा ए, और ए सी सी को मिला देंगे। अब यही कर रहा है कोण बी 90 डिग्री है, चलिए 90 डिग्री लिख लेते हैं। अब कर रहा है बी से होकर ए सी पर बी डी लंब है, मतलब बी से होकर ए सी पर यहाँ पे एक डी बिंदु आएगा जो इस पर लंब होगा, इस पर ए सी पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चाप थोड़ा बड़ा करेंगे और बी के सामने का सम्मुख चाप लेंगे, इसका नाम हम पी क्यू रखेंगे और इस चाप को पहले हम लंब समय विभाजित कर लेते हैं, जो लंब समय विभाजित होगा वही आपका लंब होगा। तो चलिए शायद चाप बड़ा हो गया, ये बिंदु हुआ और इस पर से हम खींच देंगे। ये डी बिंदु हुआ,
और ये इस पर लंब हुआ। अब कह रहा है बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचा गया है, मतलब इससे एक वृत्त खींचना है, मतलब इसको हम लंब से विभाजित करेंगे। पहले इसको चलिए समझ विभाजित करते हैं। इस तरह से इसका मध्य बिंदु ढूंढ लेंगे और ये यहाँ से हम इसको केंद्र मान लेंगे, इसको M लिखेंगे। M को केंद्र मानकर निर्माण कर हम वृत्त खींचेंगे। थोड़ा छोटा वृत्त हो गया, कोई बात नहीं, ये बी सी डी से होते हुए ये वृत्त खींचा गया। अब बोल रहा है इस पर स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए, तो चलिए हम कोण ए से इसको मिला देते हैं, क्योंकि पहले हम इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी लेंगे और उसके बाद इसको लंब से विभाजित करके हम खींचेंगे। इसको अब लंब से विभाजित करेंगे, ये तो आधा से ज़्यादा ऑलरेडी है, तो इसी वृत्त पर हम काटेंगे। जैसे एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये बिंदु प्राप्त हुआ था हमको और ये बिंदु प्राप्त हुआ था, इसे पहले हम लंब से विभाजित करके इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। थोड़ा इसमें ज़्यादा कटखुट है, वो बहुत अंदर में ही सारा सवाल बना हुआ है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए या सवाल समझ में नहीं आए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा बना सकते हैं इसको, या आप इसको बार बार देखकर, दोबारा देखकर, दोबारा देखकर इसको आप सर्टिफाइड कर सकते हैं। इस तरह से आपको वृत्त खींच लेना है। तो ये यहाँ पर स्पर्श किया है, मतलब यही बिंदु रहेगा और ये यहाँ पे स्पर्श किया है इस वृत्त को, तो यही खींच दूँ, खींच देना है। और यहाँ पे जो प्रथम बिंदु मिला था इसको हम यहाँ लिखते हैं। ये आप बनाते वक्त दो कलर का पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते, एक पेन का एक पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी जितना भी कंस्ट्रक्शन बनाएंगे आप पेंसिल से बनाएंगे। एक स्पर्श रेखा हमारा यही होगा 90 डिग्री वाला, तो बी और इसका नाम दे देंगे हम ओ। तो लिखेंगे प्राप्त स्पर्श रेखाएं बराबर ए बी बराबर ए ओ, ये हमको प्राप्त हुआ। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं प्रश्नावली 11.2 का, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। चलिए हम छुरी की सहायता से वृत्त पारते हैं, थोड़ा सावधानी से पारिएगा। जी अब हम क्या करेंगे, एक जीवा खींचेंगे इस तरह से। क्या होता है जिन दो जीवा को जो हम समद्विभाजित करते हैं तो समद्विभाजित रेखा जो है वो आपस में जाके केंद्र पर मिलती है, ये 9th क्लास में आप थ्योरी पढ़े होंगे। चलिए अब इसको हम दोनों को समद्विभाजित करते हैं, आधा से ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा छोटा पड़ गया, थोड़ा अंदर ही बनना था। चलिए ये दोनों को मिलाते हैं हम, कुछ इस प्रकार। अगर नाम भी देना चाहिए तो आप दे सकते हैं पी क्यू आर एस, दो जीवा।
इसको भी हम इसी चाप से समद्विभाजित करेंगे। बाहर भी, ये भी अंदर में कट रहा है, फिर एक ही साथ कट रहा है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ रहा, दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों आपस में इस बिंदु पर मैच कर रहा है, मतलब केंद्र हमारा यही हो गया, ये बिंदु, इसको हम ओ लेंगे, ये हमारा केंद्र हो गया। अब चाहे तो उसे सभी की दूरी नाप सकते हैं, जैसे ये मैं चाप एक्स करता हूँ, देख सकते हैं आप, इस पर आप पूरे वृत्त घुमा सकते हैं, पूरा वृत्त घूम जाएगा। चलिए एक कर रहा इस प्रकार, एक बिंदु पर इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श कर खींचेंगे, एक बाहर बिंदु खींचना है। चलिए हम इधर खींच लेते हैं, एक तो बाहर बिंदु, इसको हम ए नाम देते हैं, और ए से ओ को मिलाएंगे, एक को इससे मिला देंगे, फिर इसको हम समद्विभाजित करेंगे। कुछ इस प्रकार, फिर हमको मध्यबिंदु से निकाल लेंगे, ये रहा मध्यबिंदु, इसका नाम देंगे हम M, और ये M को केंद्र मानकर हमको एक वृत्त की रचना करनी है। अरे बाबा बाबा, थोड़ा भाग गया। कुछ इस प्रकार, तो ये दोनों वृत्त को एक इस बिंदु पर काटता है और एक इस बिंदु पर काट रहा है, दोनों को हम मिला देंगे। इसका नाम ई और इसका नाम एफ देते हैं, लिखेंगे प्राप्त स्पर्श रेखाएं बराबर ए ई बराबर ए एफ, ये हमको प्राप्त करना था। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, सवाल समझ में आया होगा।